hello friends welcome to pharma sapiens i'm here with my new video of cns pharmacology series anti-epileptics drugs which are used for the treatment of epilepsy part one here we start with basics of epilepsy so let's see caesar now what is caesar so to a uh, Understand uh, something about Caesar. We should know about neuronal firing. In order for brain feel, think and to give order to muscle, neurons fire electrical signal to each other. अगर हमें body से किसी भी तरह से कोई भी movement करवाना है, जैसे body को move करवाना है, कोई muscle कोई भी muscles का movement है, body movement है, तो उसके लिए जो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए रेगुलेट करने के लिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक अपने मैसेज को पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेज को पहुंचाता है इसको हम बोलते हैं न्यूरोनल फायरिंग दिस इज नोन एज न्यूरोनल फायरिंग जब तक न्यूरोनल फायरिंग नॉर्मल है जब तक न्यूरोनल फायरिंग नॉर्मल है तब तक सारी चीजें बिल्कुल सही चलेंगी और अगर वहां पर एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन ब्रेन क्रिएट सीजर सीजर को किसने क्रिएट किया इनिशिएशन कैसे हुआ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन ब्रेन क्रिएट सीजर ना वट इज सीजर सीजर क्या होता है इज एबनॉर्मल एक्सेसिव और सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी इन ब्रेन ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल है बहुत ज्यादा एक्सेस में है और सिंक्रोनस न्यूरोनल एक्टिविटी जो ब्रेन के अंदर देखने को मिल रही है इसको हम क्या बोलेंगे सीजर ड्यूरिंग अ सीजर द पर्सन हैव मूवमेंट्स और फीलिंग दैट ही कैन नॉट कंट्रोल इस तरह की कोई फीलिंग आएगी मूवमेंट्स आएगा जिसको पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता है वो पर्सन चिल्लाएगा हो सकता है अचानक से गिर जाए या इनवॉल्ट्री ट्विचिंग वहां पर देखने को मिले तो ये सारे सिम्टम्स इस तरह के सिम्टम्स आपको सीजर में देखने को मिलते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि लोग एपिलेप्सी के दौरान वहां पर गिर जाते हैं फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल यहां पर सीजर की तो हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ सीजर दीज आर सम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीजर कन्फ्यूजन आपने कई बार देखा होगा एपिलेप्सी का जो पेशेंट होता है वो अजीबोगरीब हरकतें करता है या तो शुरुआत में एपिलेप्टिक अटैक के पहले या अधिकतर बार देखा गया एपिलेप्टिक अटैक के बाद अजीबोगरीब बातें कर रहा है उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मतलब कुछ ऐसी बातें करेगा जिसका उस प्रजेंट सिचुएशन से उस जगह से कोई लेना देना नहीं है कन्फ्यूजन और ये देखने को मिलता है एपिलेप्टिक अटैक जस्ट आने के जस्ट पहले कुछ ऐसी फीलिंग जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं और अचानक से गिर जाना सडन फॉल स्टेयर एट वन डायरेक्शन ये बड़ा खतरनाक लगता है देखने में आप ये और स्पेशली ये देखने को मिलता है बच्चों में देखने को मिलता है पेटेड माल एपिलेप्सी में एब्सेंस एपिलेप्सी में कि जो बच्चा रहता है वो एक ही डायरेक्शन में घूरता रहता है एक ही डायरेक्शन में देखता रहता है विथ लिटिल और नो जर्किंग तो ये भी एक सीजर का एक सिम्टम है अनकंट्रोल जर्किंग ये तो बहुत ही कॉमन है अधिकतर ग्रैंड माल एपिलेप्सी में देखने को मिलता है एबनॉर्मल मूवमेंट्स कन्वर्जन वहां पर देखने को मिलते हैं स्ट्रेंज इमोशंस अचानक से रोने लगना चिल्लाने लगना फूट फूट के रोने लगना कुछ ऐसे इमोशन जिनके बारे में आप कुछ ना बोल पाए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस ये बहुत ही कॉमन अधिकतर है में पेशेंट फाइनली देर विल बी अनकॉन्सियस और उसके बाद फिर काफी समय बाद जब आप देखते हैं उसको इलाज जब आप उसके इलाज के लिए ले जाते हैं और जब उसको होश आता है या फिर अपने आप जब उसको होश आता है आप पूछते हैं क्या हुआ था तो एपिलेप्टिक अटैक में फाइनली देखने को मिलता है देर विल बी लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस दीज आर सम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीजर इंक्लूडिंग कन्फ्यूजन और असडन फॉल एर एट स्टेयर एट वन डायरेक्शन अनकंट्रोल्ड जर्किंग स्ट्रेंज इमोशंस एंड लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस So, यहां तक हमने अभी जो बात की है वो केवल सीजर की बात की है अभी यहां पर हमने एपिलेप्सी की बात नहीं की है तो पहली बात जो अक्सर लोगों में कंफ्यूजन होती है क्या सीजर ही एपिलेप्सी है क्या हर तरह के सीजर को हम एपिलेप्सी बोल सकते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को हम एंटी सीजर ड्रग भी बोलते हैं तो क्या आपका एपिलेप्सी सीजर है या हर सीजर वहां पर एपिलेप्सी है तो इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है इस फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है वी कैन इजीली अंडरस्टैंड वन सीजर जस्ट वन सीजर एक सीजर मतलब केवल एक ही सीजर मल्टीपल सीजर एपिलेप्सी मतलब सीजर सीजर अगर एक ही है तो आप उसको एपिलेप्सी नहीं बोलेंगे अगर मल्टीपल टाइम वो आपको देखने को मतलब मल्टीपल सीजर वहां पे है तो आप उसको बोलोगे मतलब इस फॉर्मूले से बहुत सिंपल तरीके से ये निकल के आता है कि हर एपिलेप्सी को आप सीजर बोल सकते हैं लेकिन हर सीजर को आप एपिलेप्सी नहीं बोल सकते बिल्कुल तो सिंपल फिर से रिपीट करता हूं मैं फॉर्मूला बहुत सिंपल है मल्टीपल सीजर मींस एपिलेप्सी वन सीजर जस्ट वन सीजर मल्टीपल सीजर क्या हो जाएगा एपिलेप्सी नाउ डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी एपिलेप्सी को हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज कैरेक्टराइज बाय पैरॉक्सीमल सेरेब्रल डिसरिदमिया दैट मैनिफेस्ट सीजर विथ और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट्स मीन कन्वर्जेंस अब यहां पर हर सिंगल वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा सीबीएस में भी शायद आपने ये वर्ड देखा होगा सडन ऑनसेट जहां पर हम बोलते हैं इसको यहां पर पेरोक्सीमल का मीनिंग है शॉर्ट फ्रिक्वेंट स्टीरियोटाइपिक सिम्टम्स शॉर्ट फ्रिक्वेंट स्टीरियोटाइपिक सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलते हैं एपिलेप्सी के दौरान सेरेब्रल सेरेब्रम से रिलेटेड वर्ड है डिसरिदमिया रिदम बुरे तरीके से वहां पर डिस्टर्ब हो गई है जो ब्रेन की जो रिदम है जो वहां पर बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई जो वर्किंग है जो बुरे तरीके से वहां पर डिस्टर्ब हो गई है तो पेरोक्सीमल सेरेब्रल डिसरिदमिया डेट मैनेज सीजर थ और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट बॉडी मूवमेंट्स वहां पर हो भी सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट और नहीं भी हो सकते मतलब आपकी एपिलेप्सी विथ कन्वर्जन भी हो सकती है और विदाउट कन्वर्जन भी हो सकती है तो ये बिल्कुल दिमाग से हमें निकाल देना है कि जहां कन्वर्जन आएंगे उसको ही एपिलेप्सी बोलेंगे विदाउट कन्वर्जन भी कई टाइप की एपिलेप्सी देखने को मिल सकती है और उसमें से कुछ एपिलेप्सी के जो टाइप है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा टाइप ऑफ एपिलेप्सी बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको यहां पे क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में पहला टाइप है यहां पे जर्नलाइज एपिलेप्सी और दूसरा टाइप है यहां पर पार्शियल एपिलेप्सी जर्नलाइड एपिलेप्सी में आता है टॉनिकक्लॉनिक एपसेंस अटोनिक माइक्लॉनिक एंड इन्फेंटाइल फिर से मैं रिपीट करता हूं टोनिक क्लोनिक एब्सेंस अटोनिक माओक्लोनिक एंड इंफेंटाइल इसको आप याद रख सकते हैं टामी से इसकी आप सिंपल एक्रोनियम बना लेंगे टामी टॉनिक्लॉनिक एबसेंस अटोनिक माओक्लोनिक एंड इन्फेंटाइल पार्शियल पार्शियल में सिंपल पार्शियल सीजर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और एक जो मिक्स फॉर्म रहता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स सिंपल पार्शियल सीजर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और मिक्स फॉर्म है इसको हम बोलेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स जर्नलाइट टॉनिक क्लॉनिक सबसे पहले हम देख रहे हैं जर्रलाइट जनलाइट में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर सबसे कॉमन टाइप है ये इसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी बोलते हैं मेजर एपिलेप्सी भी बोलते हैं मोस्ट कॉमन सबसे कॉमन टाइप है ये एपिलेप्सी का जनरली आप लोगों में यही देखने को मिलता है आप जो देखेंगे लोगों में यही टाइप देखने को मिलेगा आपको तो ये इतना यहां पर लोग इसके बारे में जानने लगे हैं कि और किसी एपिलेप्सी को लोग एपिलेप्सी मानते ही नहीं है उनको लगता है कनवल्सन आएंगे कुछ ऐसा होगा तभी वो एपिलेप्सी होगी तो ये सबसे कॉमन टाइप एपिलेप्सी का है लगभग एक से दो मिनट तक ये रहता है वहां पर यहां पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एपिलेप्सी का ड्यूरेशन लंबा हो गया तो लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन बन जाती है वो कंडीशन स्टेटस एपिलेप्टिकस होती है तो यहां पर हम देखें तो ये टाइम ड्यूरेशन है आप एक से दो मिनट का है जो यहां पर सिम्टम्स देखने को मिलते शुरुआत होती है और से उसके बाद आदमी चिल्लाएगा शाउट करेगा और गिर जाएगा सिम्टम्स यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर देखने को मिलेगा टॉनिक स्पाज एंड क्लोनिक जर्किंग यहां, यहां पर देखने को मिलेगा टॉनिक स्पाज एंड क्लोनिक जर्किंग यहां पर देखने को मिलेगा फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग स्लीपिंग एंड डिप्रेशन टॉनिक स्पाज एंड क्लोनिक जर्किंग फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग स्लीपिंग एंड डिप्रेशन टॉनिक्ड इज टॉनिक लगातार इनवॉल्ट्री मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन यहां पर देखने को मिलता है कंटिन्यूस इनवॉल्ट्री मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन क्लोनिक जर्किंग ये कन्वर्जन में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता है क्लोनिक जर्किंग जर्किंग ऑफ लिम एंड फेस टॉनिक एंड एंड क्लोनिक जर्किंग स्लीपिंग डिप्रेशन आदमी अचानक से गिर जाएगा और गहरी नींद हो जाएगा तो ये सिम्टम्स हो गए आपके जर्नलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर जिसको ग्रेड वाल एपिलेप्सी मेजर एपिलेप्सी बोलते हैं सबसे कॉमन टाइप की एपिलेप्सी है ये नेक्स्ट आता है जनरलाइज में ही absent seizure absence epilepsy it is also known as partial mal epilepsy या minor epilepsy ये बड़े मजेदार नाम है ग्रैंड माल और पैटिट माल ऐसा लगता है पिता पुत्र के नाम हो अपने बचपन में कहानी में सुना होगा करोड़ माल इस तरह से ये ग्रैंड माल हो गया उसका बच्चा पैटिट माल ऐसा लगता है यहाँ पे खैर मेजर एपिलेप्सी में ग्रैंड माल एपिलेप्सी उसको बोलते हैं माइनर उसको पैटिट माल एपिलेप्सी बोलते हैं इट इज प्रीवेलेंट इन चिल्ड्रन अधिकतर छोटे बच्चों में देखने को ही मिलता है मिनट लगभग के आसपास इसका जो ड्यूरेशन रहता है और इस दौरान बड़ा अजीब गरीब कंडीशन में बच्चा दिखता है इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलेंगे देर विली मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस पेशेंट अपेरेंटली फ्रीज स्टेर एट वन डायरेक्शन विथ और विदाउट लिटिल जर्किंग वहां पर कुछ इस तरह से होगा कि जो बच्चा रहे जो पेशेंट रहेगा वो एक ही डायरेक्शन बिल्कुल फ्रीज होकर देखता रहेगा वहां पर थोड़ी बहुत जर्किंग हो भी सकती है और विदाउट जर्किंग भी ये देखने को मिलेगा तो इसे हम बोलते हैं हैंजर एपिलेप्सी या पैटेट माल एपिलेप्सी एपिलेप्सी मेजर एपिलेपसी हम बोलते हैं ग्रैंड माल को और माइनर एपिलेप्सी एपिलेप्सी हम बोलते हैं माल को या एपसेंस एपिलेप्सी तो ये दो मेन टाइप हैं इसके अलावा जर्नराइज में और जो रहते हैं आटोनिक नाम से ही आपको क्लियर होगा अटोनिक मतलब यहां पर टोन खत्म हो गई अटोनिक एपिलेप्सी टोन खत्म हो गई मूवमेंट्स यहां पे खत्म हो गए अचानक से पेशेंट गिर जाएगा हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में हिप्रोटिक्स सेडेटिव वाली वीडियो में और सीनेस वाले वीडियो बेसिक्स ऑफ सीनस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था गावा के बारे में तो गावा और ग्लाइसिन जो इनिविटरी न्यूरो हैं जिनसे हम गहरी नींद में चले जाते हैं अब आप खुद इमेजिन करें कि आदमी खड़ा है और अचानक से गावा रिलीज हो जाए अचानक से गावा रिलीज हो गया मतलब आदमी गिर जाएगा और वो वही सेम चीज यहां पर होती है अनकॉन्सियसनेस रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल्स ड्यू टू एक्सेसिव इन्यूटी डिस्चार्ज अचानक से जो इन्यूटी ट्रांसमिटर है उनका डिस्चार्ज बढ़ जाता है और आदमी गिर जाता है पेशेंट मे फॉल तो ये हो गया आपके एटोनिक एपिलेप्सी नेक्स्ट आता है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी मायोक्लोनिक को आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे आपने देखा होगा टीवी में एडवर्टाजमेंट आता था शॉक लगा लगा वाला शॉक वाला है यहां पर भी है शॉक शॉकलाइक मोवमेंट्री कॉन्ट्रेक्शन मसल तो शॉक शॉकलाइक मोवमेंट्री कॉन्ट्रेक्शन मसल लिम और होल बॉडी ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी में करंट लग रहा हो इस तरह के मूवमेंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं ये आपके मायोक्लोनिक एपिलेप्सी इन्फेंटाइल एपिलेप्सी इन्फेंटाइल सीजर नाम से सी क्लियर है कि स्पेशली ये देखने को मिलती है इन्फेंट्स में ये इन्फेंट्स में देखने को मिलती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम इसको, साथ यहां epilepsy. यहां हम इसको के साथ में डिस्कस कर रहे हैं बट इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ टिपिकल एपिलेप्सी ये टिपिकल एपिलेप्सी का फॉर्म नहीं है लेकिन सिम्टम्स एपिलेप्सी ही जैसे हैं इसके ट्रीटमेंट भी एपिलेप्सी जैसा है इसलिए यहां पर हम इसको एपिलेप्सी के साथ में डिस्कस कर रहे हैं

नहीं है या पिलेप्सी का फॉर्म नहीं है लेकिन वो सिम्टम्स हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म इसलिए इसको इंटर इन्फेंटाइल स्पाज्म ही बोलते हैं इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म मतलब एक कुछ रेगुलर इंटरवल में कुछ रह रह के कुछ स्पाज्म यहाँ पे आते रहेंगे प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियरेशन अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस पार्ट है इसका कि अगर छोटे बच्चों में ये हिफ्सा रिदमिया है अगर आपने उनका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो बच्चा तो बड़ा होता रहेगा लेकिन जैसा उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए जैसा उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा वो नहीं हो पाएगा मतलब एज के हिसाब से उसका ब्रेन जितना डेवलप होना चाहिए उतना ब्रेन उसका डेवलप नहीं हो पाएगा डिटेर रेगुलर उसका होता रहेगा ब्रेन उसकी समझ नॉर्मल लोगों जैसी नहीं रहेगी तो इंटरमीडिएट मसल इस पास प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरेशन सेकेंड टाइप आते हैं हम पार्शियल एपिलेप्सी पार्शियल में सिंपल पार्शियल इसको हम सिंपल पार्शियल सीजर भी बोलते हैं या कॉर्टिकल फोकल सीजर भी बोलते हैं अब कॉर्टिकल फोकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इसके किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में कॉर्टेक्स का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है जहां पर एबनॉर्मल सीजर्स क्रिएट हुए हैं जहां पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुए हैं केवल ब्रेन का वही हिस्सा अफेक्टेड रहेगा पूरा ब्रेन यहां पर अफेक्टेड नहीं रहेगा और उसी तरह के मूवमेंट्स हमारे उस तरह के सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे मान लीजिए ब्रेन का अगर विजुअल एरिया अफेक्टेड है और वहां पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वहां पर स्प्रेड हुई है तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा अगर मोटर एरिया अफेक्टेड है तो एबनॉर्मल मूवमेंट्स आने लगेंगे वहां पे तो सिंपल एक लाइन में इसको आप यहां इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं इट इज लोकलाइज्ड सेंसरी डिस्टर्बेंसिस डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व मतलब कॉर्टेक्स का कौन सा एरिया वहां पर इन्वॉल्व है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का सीजर ये यहां पर शो कर रहा है किस तरह की एपिलेप्सी यहां पर ये शो कर रहा है मतलब पूरा ब्रेन का एरिया यहां पर इन्वॉल्व नहीं रहता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर या साइकोमोटर एपिलेप्सी या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें ब्रेन का पार्ट टेम्पोरल लोब यहां पर इन्वॉल्व रहता है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी हम इसको बोलते हैं सीजर फोकस इज इज लोकेटेड ऑन टेम्पोरल लोब कंफ्यूज्ड बिहेवियर परपसलेस मूवमेंट व्हाट इंटरेस्टिंग है जब भी किसी को इसका अटैक आता है तो वहां पर फालतू में यहां वहां दौड़ता रहेगा भागता रहेगा क्यों भाग रहा है किस पर्पज से भाग रहा है वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा कन्फ्यूज बिहेवियर अजीब बातें करेगा हो सकता है कि आप अगर साथ में तो आपको नहीं पहचाने हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कन्फ्यूज बिहेवियर और मूवमेंट मतलब कई बार दो दो तीन तीन लोगों के पकड़ में नहीं आता है पेशेंट तो कन्फ्यूज बिहेवियर एंड पर्पज मूवमेंट इस तरह पे आप यहां पे देख सकते हैं इसको टेम्पोर इस लोब एपिलेप्सी मूवमेंट कन्फ्यूज बिहेवियर ये बहुत ही कॉमन है इसलिए इसको साइको मोटर एपिलेप्सी भी बोलते हैं साइको मतलब साइकोलॉजिकल मोटर मतलब क्या है ये मूवमेंट इसलिए इसको नाम दिया गया है साइको मोटर एपिलेप्सी लास्ट में आता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये इस तरह से है कि इसमें कुछ अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे शुरुआत में ये केवल रहेगा सिंपल पार्शियल सीजर और ये सिंपल पार्शियल सीजर ग्रैंड ग्रैंडमाल एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सिंपल पार्शियल सीजर रहेगी और सिंपल पार्शियल सीजर बाद में ग्रैंड ग्रैंडमाल एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाएगा मीन सिंपल पार्शियल सीजर ऑकर्स फर्स्ट एंड देन एवॉल्स टॉनिक क्लॉनिक सीजर जो ग्रैंड ग्रैंडमाल एपिलेप्सी है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी अब हम देखेंगे यहां पर कौन से ड्रग्स यूज किए जाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इसमें एक और यहाँ रह गया था ये सिंपल रहता है जब ग्रैंड मल एपिलेप्सी होगी तो लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर रह यह तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सारे ये आपके टाइप ऑफ एपिलेप्सी हो गए और कौन सी ड्रग हम यहाँ पर यूज करेंगे डिफरेंट ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी सो ये वी स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपीलेप्ट ड्रग्स सबसे पहले हाइडेंटोइन डेरिवेटिव हाइडेंटोइन डेरिवेटिव फेनिटोइन एंड मेफेनिटोइन हाइडेंटोइन हाइडेंटोइन में आपका फेनिटोइन हो गया और मेफेनिटोइन हो जाएगा यहां पे पीएमसी आप याद रख सकते हो यहां पे पीएम और हाइडेंटोइन के लिए क्या ट्रिक बना लोगे हेडन आगे हम इसको यहां पे ट्रिक को और डिस्क्राइब करेंगे इसी तरह से बारबिट्यूरेट में बारबिट्यूरेट बारबिट्यूरेट को आप याद रखो बार बार और यहां पे भी ट्रिक आप क्या बना लोगे पीएम तो दोनों के लिए आपकी ट्रिक पीएम पीएम हो जाएगी हेडन और बार बार के लिए ट्रिक क्या हो जाएगी पीएम डी ऑक्सी इसके लिए ट्रिक आप बना लोगे डी ऑक्स ऑक्स जो है वो अपने एरिया का प्राइम डॉन बन गया तो डी ऑक्स डॉन डी ऑक्सी में ट्रक आता है आपका प्राइम प्राइमी डॉन बेंजोडाइपिन इसके बारे में ट्रिक के भी मैंने आपको बताई थी प्रोटिक्साइडिटिव वाले में वहां पर हमने अलग से देखा था एंटी कन्वर्जेंट में तो इसकी ट्रिक भी मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी तो बेंजो इसकी इस ट्रिक हमने वहां पर डिस्कस की थी कि सी एल सी डी आप एपिलेप्सी के पेशेंट को एल सी डी दिखा रहे हैं सी एल सी डी क्लोवाजाम लोराजेपाम क्लोनाजेपाम एंड डायजेपाम इमिनो स्टिल्स इसमें आते हैं आपके ड्रग कार्बामाजेपिन एंड ऑक्स कार्बाजेपाइन तो इसके लिए ट्रिक आप बना सकते हैं मीनो नाम की लड़की जो एक्टिंग करती है उसको ऑस्कर तो नहीं मिला उसको ऑक्सकर अवार्ड मिला है ऑस्कर से आप रिलेट करने का कौन सा अवार्ड मिला है ऑक्सकर अवार्ड मिला है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए आप ट्रिक बना दें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बना दोगे आप एसी यहां पर आप ट्रिक बना लोगे एसी एसी लगाया आपने दीवाल पर दी वाल पर दी से हो जाएगा डाइवल प्रॉक्स और वाल से हो जाएगा वेलप्रोइक एसिड आप नाम पे बच जाए दीवार बोलते हैं वैसे तो हम यहां पर आप याद रख लो दी वाल डाइवल दी वाल। प्रॉक्स एंड वेलप्रोहिक एसिड नेक्स्ट आता है सक्सीनी माइट इसको आप केवल इतना पार्ट ले लो सक्की सक्की आदमी सक्की आदमी है ये तो हर किसी पर सक करता है सक्की आदमी है ये तो तो सक्सीनीमाइड से ए तो हो जाएगा एथोसक्सी तो साइक्लिक गावा एनालॉग्स, साइक्लिक गावा एनालॉग्स इसकी आप बना सकते हो आप साइकिल चला रहे थे तभी आपको गावा रिलीज हो गया आप साइकिल चला रहे थे गावा रिलीज हो गया मतलब आप सो जाएंगे मतलब अगर आपकी साइकिल चलाते समय आप सो गए गावा रिलीज हो गया तो जहां टकराएगी साइकिल में जगह जगह गैप क्रिएट हो जाएंगे गैप गैप गावापेंटिन और प्री गावा लिन फिनाइल ट्राइजीन डेरेवेटिव इसको फिनाइल ट्राइजीन को आप याद रख सकते हो पटरी पटरी पे आप बुला रहे हैं डॉगी को बुला रहे हैं डॉगी को उसे आप बोला ले लेमोती लेमोट्राइजीन ट्रग का नाम है यहां पे लेमोट्राइजीन रग का नाम हो जाएगा लेमोट्राइजीन लास्ट कैटेगरी जो बचे हुए सारे ड्रग हैं न्यूर में आ जाएंगे इसमें इसमें आ जाएगा आपका लेकोसमाइट And zonisamide. फिर से मैं रिपीट कर रहा टोपीरा मेट टिया एंड माइट इसको याद रखने का तरीका क्या है आपका आपने न्यू टोटी खरीदी टोटी खरीदी विलेज के लिए आप न्यू टोटी लेके आए विलेज के लिए जो ट्रिक अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें याद रखना बहुत आसान हो जाएगा जैसे हमने बनाया था, बना था? बारबर बना बार तो हेडन बारबर को लेके मतलब हैडन और बारबर दोनों हमारे पीएम से मिलने गए किससे मिलने गए पीएम से मिलने गए तो हेडन से हो जाएगा आपका हाइडेंटोइन इसमें आते हैं आपके फेनिटोइन और मैफेनिटोइन और बारबर में भी पीएम था तो फिनोवार फिनोबारबिटल आ जाएगा और मैफोबारबिटल आ जाएगा तो पीएम पीएम वाले ड्रग दोनों में है इसलिए इन दोनों को आप एक साथ याद रख लेना फेनिटोइन मैफेनिटॉइन और बारबर से फेनोवारिटल एंड मैफोबारबिटल नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपके डी ऑक्सी बारबिचरेट डी ऑक्सी बारबिचरेट के लिए कैटेगरी बनाई थी हमने डी ऑक्सी बारबिचरेट को क्या बनाया बना दिया था डी ऑक्स डी ऑक्स जो बहुत गुस्से वाला था उसने अपने एरिया में अधिकार जमा लिया अब वो वहां का डॉन बन गया है अब वो वहां का प्राइम डॉन है क्या है डॉन तो डी ऑक्सी बारबिचुरेट में आपका हो जाएगा प्राइमिड ड्रग का नाम हो जाएगा प्राइमिडॉन ये कैटेगरी हो जाएगी डिओक्सी बारबिचुरेट और ड्रग हो जाएगा यहाँ पे प्राइमिडॉन नेक्स्ट आता इमिनो स्टील बिन तो इमिनो स्टील बिन में इमिनो को क्या बना दिया था मीनो मीनो नाम की लड़की मीनो नाम की लड़की जो एक्टिंग करती है उसको ऑस्कर अवार्ड तो नहीं मिला उसको ऑक्सकर अवार्ड मिला है कौन सा अवार्ड मिला है ऑक्सकर अवार्ड उसको मिला है कार से आपको याद रखना है कार्बामाजेपिन माजेपिन ऑक्स याद रखना है उसी का जो एनालॉग है ऑक्स कार्बाजेपाइन तो कार्बामाजेपिन और दूसरा हो जाएगा ऑक्स तो कार अवार्ड से आपको याद रखना है ऑक्स से हो जाएगा नेक्स्ट हमने याद रखा था एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड उसको हमने कैसे याद रखा था एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को एसी लगाया क्या लगाया एसी लगाया कहां पर दीवाल पर कैट्रिक बनाई थी हमने एसी लगाया कहाँ एसी लगाया है दीवाल पर एसी से याद रखना है एलिफेटिक एसिड डेरिवेटिव वाल पर डायबल प्रॉक्स एंड वेल प्रोक एसिड डायवल प्रोक्स है एंड वेल प्रोक एसिड दीवाल पर तो एक साथ आपको याद रखना है एसी लगाया दीवाल पर वेल प्रोक एसिड एंड डायवल

बहुत ज्यादा सक्की है ये ये आदमी तो बहुत ज्यादा सक्की है तो सक्की से याद रखना है आपको सक्सीनी माइट ये तो से याद रखना है एथोसक्सी माइट इसमें ड्रग का नाम है सक्सीनी माइट कैटेगरी है इसमें सक्सीनी माइट ये कैटेगरी हो गई और ड्रग का नाम हो जाएगा एथोसक्सी माइट नेक्स्ट साइक्लिक गावा एनालॉग्स के लिए हमने कैटेगरी बनाई थी गावा रिलीज हो गया गावा रिलीज हो गया जब आप साइकिल चला रहे थे अब गावा रिलीज हो गया साइकिल चलाते समय मतलब आप सो जाओगे और आप सो जाओगे तो कहीं भी टकरा जाएगी साइकिल और साइकिल में जगह जगह गैप क्रिएट हो जाएंगे देखो साइकिल टूट गई साइकिल में जगह जगह क्या हो जाएंगे गैप क्रिएट हो जाएंगे गैप गावा पेंटिन और प्री गावा गैप से याद रखना आपको गावा पेंटिन ये हो जाएगा आपका प्री गावालिन गैप नेक्स्ट आता है आपका इसमें फिनाइल ट्राइजीन डेरिवेटिव फिनाइल ट्राइजीन को आपने क्या बना दिया था ट्रिक बना दी पटरी तो ये रेलवे ट्रैक हमें देख रहा है यहां पे पटरी पटरी पे आप एक डॉगी को लेके आ रहे हैं उसको आप बुला रहे हैं उसे आप बोल रहे हैं ले मोती डॉगी का नाम क्या है मोती तो आपसे बोला ले मोती ड्रग का नाम हो जाएगा लेमोट्राइजी ड्रग का नाम यहाँ पर हो जाएगा लेमोट्राइजी तो पटरी से आपको याद रखना है फिनाइल ट्राइजिन डेरिवेटिव है ले मोती से याद रखना है ड्रग का नाम है लेमोट्राइजी अब बचे हुए सारे ड्रग आपके आ जाएंगे न्यूअर कैटेगरी में न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में आ जाएंगे इसको याद रखने का तरीका है नई टोटी न्यू टॉटी लेकर आए आप न्यू टोटी लेकर आए आप किसके लिए लेकर आए ब्लेज में रहने वाले सारे लोगों के लिए न्यू टोटी ब्लेज इसमें हो जाएंगे आपके न्यू टोटी ब्लेज न्यू मतलब ये कैटेगरी हो जाएगी आपकी न्यू ड्रग्स है ये कैटेगरी है आपकी हो गई अब यहां पर आप देखेंगे ड्रग कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे टोटी तो टोपिरामेट, टियागेविन, लैकोसामाइड विगावेट्रिन लेफ्ट आयरासिटाम एंड जोनिसामाइड फिर से मैं रिपीट करता हूं टोपिरामेट तो हो जाएगा टियागेविन हो जाएगा लैकोसामाइड हो जाएगा विगावेट्रिन हो जाएगा लेफ्ट आयरासिटाम हो जाएगा और जोनिसामाइड हो जाएगा तो इसे आप क्या बोल सकते हो तो टोटी विलेज न्यू टोटी ट्रिक हो जाएगी तो ये सारे जितने भी आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं ये सब इनकी ट्रिक हो गई पे कैसे इनको याद रखना है हमने यहाँ पर देखा बेसिक सबसे पहले देखा हमने बेसिक कहां से से स्टार्ट किया सीजर से। फिर हमने देखा कि सीजर वहां पर जो प्रोड्यूस होता है सीजर जो वहां पे क्रिएट होता है तो जब तक आपसे सीजर बोलोगे जब वो अकेला है जैसे मल्टीपल सीजर अगर वहां तो एपिलेप्सी हो जाएगी फिर हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ एपिलेप्सी और जिनमें हमने देखा सबसे कॉमन टाइप ऑफ एपिलेप्सी वो आपका जी टी सी ग्रैंड माल सीजर ग्रैंड माल जो है ग्रैंड माल एपिलेप्सी बोलते हैं टॉनिक टॉनिक्लॉनिक सीजर उसको बोलते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं और दूसरा उसमें आपने देखा होगा एपसेंस सीजर जो है आपका जिसे हम पैटेड माल सीजर भी बोलते हैं इसके अलावा जो आपके वॉच टाइप हैं अटोनिक है जिसको हम अकानेटिक सीजर भी बोलते हैं माओक्लोनिक है, है इन्फेंटाइल है जो सीजर में हम डिस्कस कर रहे हैं एपिलेप्सी भी डिस्कस कर रहे हैं लेकिन वो एपिलेप्सी यहाँ पर नहीं है उसके जैसे सिम्टम्स हैं वहाँ पे इसके अलावा हम इसमें देखें सिंपल अगर हम उसमें पार्शियल में देखें सिंपल पार्शियल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल उसके अलावा हमने सारे देखे ड्रग्स जो इसके ट्रीटमेंट में यूज हो रहे हैं जितने भी ड्रग हम यहाँ पर ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं इन सब में बेसिक आपको ये याद रखना है कि सारे जो ड्रग हैं ये एबनॉर्मल एक्साइटेशन को खत्म करेंगे तो अधिकतर ड्रग जो आगे यहां पर हमने जो हमने लिखे हैं यहां पे इसको नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करेंगे उन सबका टारगेट क्या है एबनॉर्मल एक्साइटेशन को कैसे हम खत्म कर सकते हैं या तो हम एक्साइटेशन को कम करें मतलब डिपोलराइजेशन को कम करें मतलब सोडियम चैनल को ब्लॉक करें या फिर हम इनिबिशन को बढ़ाएं मतलब क्लोराइड चैनल को ओपन करें तो बेसिक्स में हमें हमेशा यही बोला जाता है ये मेन वे माना जाता है एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट का कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करना और क्लोराइड चैनल को ओपन करना इसको आप एनए से याद रख सकते हैं सोडियम को ब्लॉक करेंगे क्लोराइड चैनल को ओपन करेंगे हम एनए सोडियम चैनल ब्लॉक कर देंगे और क्लोराइड चैनल को ओपन करने वाले गावा के इफेक्ट को फैसिलिटेट करने वाले ड्रग हम यहां पर देंगे जो गावा केफेट को बढ़ाएंगे गावा के डिग्रेडेशन को रोकेंगे इस तरह की ड्रग हम आप देखेंगे इसके डिटेल मोडोफेक्शन की डिटेल ड्रग की डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया एंटी एपलेप्ट ड्रग का तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी लोग घर पर रहें सुरक्षित रहें और लगातार इन्वॉल्व रहे कुछ न कुछ नया सीखने में और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट थैंक यू